भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अवैध शराब ठेका चलाने का आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी के विधायक सुदेश राय को आड़े हाथों लिया और कहा है कि यह कहते हुए शर्म आ रही है कि अवैध शराब का ठेका हमारे सीहोर विधायक सुदेश राय का है। सांसद ने कहा, अगर ऐसा हमारा विधायक है तो मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि इसको तत्काल इसके पद से हटाना चाहिए। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर सीहोर के खमरिया कला गांव में भूमि पूजन करने पहुंची थी, जहां गांव वालों की शिकायत थी कि विधायक सुदेश राय अवैध तरीके से शराब का ठेका चला रहे हैं। उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर खुद पहुंच गई उस ठेके पर उसे बंद कराने के लिए। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी प्रज्ञा ठाकुर ने दिए। इस दौरान सीएसआई भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अपने ही पार्टी के विधायक को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि खजुरिया कला गांव में जो शराब का ठेका पकड़ा है, हमें ये कहते हुए शर्म आ रही है कि वह हमारे सीहोर जिले के भाजपा विधायक सुदेश राय का है। ये मुझे प्रशासन और जनता ने बताया। अवैध शराब ठेका चलाने में सहयोग करने वाले आबकारी अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करने के लिए मैंने कलेक्टर को बोला है। शराब ठेके से वहां के लोग दुखी हैं, हमें हमारी पार्टी पर गर्व है, लेकिन अगर ऐसा हमारा विधायक है तो मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगी कि सुदेश राय को तत्काल इसके पद से हटा देना चाहिए। खजूरिया कला बंगला में जो जिस प्रकार से गैर कानूनी ठेका पकड़ाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी, हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। ये मुझे प्रशासन ने बताया और ये मुझे जनता ने बताया, ये मुझे नहीं, उसका वीडियो बनाया है और एक सुदर्शन न्यूज चैनल है, वो वहां उपलब्ध, वहां कैसे पहुंचा, पर वो पहुंचा और उसने ये लोगों से पूछा और लोगों ने बताया विधायक जी का है, ये सुदेश राय जी का ठेका है और गैर कानूनी चल रहा है। ये हमें बड़ी लज्जा आ रही है इस बात में, इसलिए कि ये जिस प्रकार से भी चल रहा है, ये कठोरतम कार्रवाई इस पे होना चाहिए। और जो आबकारी विभाग का व्यक्ति इससे मिला हुआ है, वो अधिकारी, उसको मैंने तत्काल सस्पेंड के लिए बोल दिया है और वो सस्पेंड हो गया होगा। अभी मैं आई हूँ, आपको न्यूज दे रही हूँ, और सस्पेंड हो चुका होगा। मैंने कलेक्टर से उससे कहा है और नहीं हुआ है तो मैं इसको, और जो सरकारी गैर कानूनी सरकारी लोग गैर कानूनी कार्य को जिस प्रकार से संरक्षित कर रहे थे वो गलत है और उन लोगों को भी सस्पेंड करवाऊंगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।